अगर आप अपने इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप इंस्टाग्राम से अर्निंग करते हो? नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। जितने लोग मैं अभी चाहता हूँ, जानता हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे वो लोग इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं करते होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, होने को बहुत सारी ट्रिकें होती हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक जो डेफिनेटली वर्क करेगी और आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं, मैं भी अपने इंस्टाग्राम में पैसे कमाता हूं, मैंने टीम रख रखी है, मैं खुद वहां काम नहीं करता इंस्टाग्राम में, मैंने लड़के रख रखे हैं जो यहां पर इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं और वो उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी मिलता है कि मेरे पे इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं पूरा इंस्टाग्राम को हैंडल कर सकूं। लेकिन एक वो जो मैं आपको तरीका बताऊं उसी का एक भाग वो भी है जो मैं काम करता हूं। आपने देखो, पैसा कमाने के लिए आपने कुछ काम करना पड़े इंस्टाग्राम में। सबसे पहले पीछे डिस्प्ले ऑफ हो गई, इसको ऑन करी जाए। देखो इंस्टाग्राम में हर कोई यहाँ पर अकाउंट बना लेता है, आप किसके पास फॉलोअर भी होंगे और आगे पोस्ट में लाइक कमेंट सब कुछ आते होंगे, फिर भी आप इंस्टाग्राम में पैसा नहीं कमाते हो। मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो पैसा आपने मुझे नहीं देना है, आपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही लगाना है पैसा। देखो आप मान लो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस में कोई दुकान खोल रहे हो, तो दुकान को खोलने के लिए दुकान में सामान रखना जरूरी होता है। आपने एक अगर परचूनी दुकान खोली या कुरकुरे की दुकान खोली तो आपने 5 रुपये कुरकुरे पहले खरीदना पड़ेगा, 4 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 4.5 रुपये में खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 रुपये में बेचोगे, जाहिर सी बात है। तो वही काम आज की ट्रिक के अंदर करने वाले हैं। देखो आज सीधा हम ट्रिक में चलते हैं। ट्रिक में जाने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर अब मैं आपको ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगा जिससे आप अपने इंस्टाग्राम को यहां से कुछ यहां तक ले आ सकते हो, इतने हाइट तक, और इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। शुरुआत आज की वीडियो से हमने कर दी है। देखो सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम में कुछ फॉलोअर्स होंगे आपको, जाहिर सी बात है। अब वो फॉलोअर्स आप उनसे कहो कि भाई मेरी कुछ सामान है आप इन्हें खरीद लो, तो 99% चांस है वो लोग आपके सामान को नहीं खरीदेंगे। 99.9% चांस है वो आपके सामान को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आपने अर्निंग करनी तो आपने ये करना, देखो छोटा सा आपने काम करना पड़ेगा, आपने क्या है अपने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले आपने अपने इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे शूज या भी ड्रेसों की फोटो डालनी है, जैसे जूते हो गए, शर्ट हो गई, लोअर हो गई, इन जैसे जो चीज़ें डेली यूज में लोग यूज करते हैं, जो 110% चांस को जो बिक सकते हैं, आपने उसकी यहाँ फोटो डालनी है। और जो ट्रिक मैं आज बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक आपके एक दो दिन के लिए नहीं होने वाली है, ये आपके लाइफ टाइम आपको अर्निंग करके देगी। आपने टोटल मिलाकर जो एक जो फिजिकली दुकान होती है वो फिजिकली दुकान को हटा करके आपने ऑनलाइन दुकान में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला ये है। मान लीजिए आपने क्या करना, सबसे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपने उसके बाद अपना कंटेंट कुछ भी रख सकते हैं। आपने माने सबसे पहले क्या करना, अपने अपने इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारी पोस्ट डालनी है जहाँ ब्रांडेड शूज यानी जूतों की फोटोज डालनी है, वहाँ ब्रांडेड से लेके लोकल से लेके सारे शूज की आपने फोटोज डालनी है और वहाँ पर आपने सभी प्राइस वहाँ पर लिख देनी है। अब क्या करना है, आप चाहे तो अपनी पोस्ट में एंगेजमेंट के लिए आपको लोगों दिखाने के लिए उसमें आप वेबसाइट के थ्रू या पैनल के थ्रू लाइक्स बढ़ा सकते हैं। लाइक्स कैसे बढ़ाते हैं अगर आपको नहीं पता, व्यूज़ कैसे बढ़ाते नहीं पता, तो हाँ मैंने पिछली वीडियोस बहुत सारी बना रखी है, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर चुका हूँ। अगर फिर भी जाना था मेरे सेकेंड चैनल UK इंस्टा वाला में जाइए, वहाँ पर आपको ऐसी ट्रिक्स से मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप पोस्ट में लाइक ही बढ़ा सकते ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, सब कुछ दिख रही है, क्योंकि देखो जो दिखता है वही बिकता है। तो और हाँ, आपकी हर चीज़ जेन्युइन ही होने वाली है। अब मान लो आपने फोटोज डाल दी और वो फोटोज ऐसी फोटोज डालना जो चीज़ वास्तविकता में एग्जिस्ट करती हो, यानी कि वो उसका वजूद हो। मान लो आपने पहले अमेजोन से कोई जूते की फोटो देखी, आपने जूते को फोटो यहाँ पर डाल दिया, कोई फोटो डाल दी। अब मान लो आपके पास ऑर्डर आता है कि आपने ऑर्डर कैसे लेने, कि लोग आपको शूज़ कैसे खरीदेंगे, आपने सबसे पहले 500 रुपये का जूता खरीद लेना अमेजोन से। मान लो व्हाइट कलर का जूता ले ले रहे हैं या कोई भी कलर का जूता ले रहे हैं, जूता लेंगे उसके बाद आपने उसमें कस्टमाइज करना है अपना, ये आपको एडिक्शन चीज बता रहा। अगर आप कर सकते हैं कस्टमाइज तो करना, नहीं कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है। कस्टमाइज आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़े कलरिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ और डिजाइन ऐड कर सकते हैं, चिपका सकते हैं कुछ और स्टिकर टाइप का, आप ये चीज कर सकते हैं जिससे वो जूता थोड़ा और अच्छा लगने लग जाए, जिससे आप उसकी प्राइस और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये कलरिंग या इसमें स्टिकर लगाने नहीं आते तो आप छोड़ो, वो चीज हटाओ। आपने 500 रुपये का जूता खरीदा, अब आप उसकी फोटो डालो अपने इंस्टाग्राम में, उसके प्राइस कर दो 800 रुपये, 1000 रुपये,
सिंपल था। अब आपने यहां पर एक, ये तो आपको जो 500 रुपये जूते खरीदे ये तो आपने वसूल करने हैं, जाहिर सी बात है। अब आपके जो और फॉलोअर्स हैं वो तो जूते को खरीदेंगे नहीं, आपने करना अपने जो प्रोडक्ट है उनको उन लोगों तक पहुंचाना है जिसको उसकी नीड है। आपने इंस्टाग्राम का एड रन करना है, कैंपेन बनाना है जिसमें आपने अपनी उस पोस्ट का एड रन करना है, उन लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाना जिनको उसकी जरूरत है। होगा क्या, आपने मान लो पोस्ट डाली, अब वो जूता दिख गया मुझे इंस्टाग्राम के अंदर, मुझे जूता अच्छा लगा, अब वो जूते की प्राइस है 800 रुपये, फोटो में जूता अच्छी, फोटो आपने अच्छी क्लिक करनी है। अब देखो 500 और 800 में कोई ज़्यादा फर्क रहता नहीं है, जो बंदा जूता लेने वाला होगा उसके ज़्यादा फर्क रहता नहीं, ठीक है। तो आपने करना है वो, जैसे आप, मैं देखूंगा कि भाई वो 800 में जूता है, मैं देखूंगा, आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा प्राइस में डिस्काउंट हो सकता है, आपने 50 रुपये भी कम कर दिए, 100 रुपये कम कर दिए, 800 जो है 700 में आपने बोल दिया, मैं बात कर ली डन, मैंने आपको पेमेंट करी, आपने जूता मुझे भेज दिया, आपका डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा या फिर डिलीवरी चार्ज कितने रुपये लगेगा, बहुत से 40-50 रुपये वो आप अपनी जेब से दे सकते हो। आपने 750-800 बोले, 750 में जूता मेरे को सेल करा, उसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज आपका लगा, 700 में आपने 700 में जूता सेल कर दिया, आपने खरीदा था 500 में, 600-700-200 रुपये का आपको एक जूते में प्रॉफिट हो चुका है। ये एक सैंपल था, एक डेमो था आपको कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज, ईयरिंग हो गया, की रिंग हो गया, आप ये मोबाइल कवर्स हो गया, इन चीज़ों का आप जिनका मतलब जिसके रेट मतलब मार्केट में फिक्स नहीं रह सकते। आपको पता है कि जूता 500 का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है, 800 का मिलता है, 1500 का मिलता है, 2000 का मिलता है। ये 800 मैंने प्राइस किया, आप इसका रेट सिर्फ 1500 भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर लो हल्का सा, उसे कलर हलर कर स्टिकर चिपका दो तो आप वो जूते का प्राइस 1500 कर देंगे तो डेफिनेटली लोग लेंगे। और ये चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई उससे मेरा लॉस हो जाएगा, कहीं आप लोगों को सच्चाई पता चले गई तो, इसलिए मैं इतना बताता हूँ कि मैं एक चीज़ सेल करता हूँ अपने इंस्टाग्राम में जहाँ से मुझे वो चीज़ मिलती है 50 रुपये में और मैं 200 रुपये में बेचता हूँ। सिंपल था, आपको इतना चीज़ बता दूँ मैं, तो यहाँ से देखो मार्जिन, और 200 में बेचता मैं कस्टमर बोलता हूँ 200 रुपया, कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, मैं उसको 50 रुपये डिस्काउंट देता हूँ या 100 रुपये डिस्काउंट देता हूँ, मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, 50 रुपये खरीदी हुई चीज़ 50 रुपये मेरे एड कैंपेन में लग गए मान लो, मैं 50 रुपये 150 में बेचता हूँ चीज़ को, तो 50 रुपये मेरा छुट्टा प्रॉफिट मेरा होता है। 50 रुपये चीज़ खरीदता हूँ, 50 रुपये मैंने एडसेंस में लगा लिया, एडवर्ड में गूगल पे वो प्रमोट कर दी उसको, 100 रुपया खर्चा मेरा वहाँ हो गया और मैं 150 में बेचा, तो 50 रुपये मेरा सेफ बचा ना बचा वो एक चीज़ से। अगर आप एक दिन में 10 सेल कर देते तो आप सोचो आप कितने रुपये कमा सकते हो। मेरे ख्याल से आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक तरीका था पैसे अर्न ये कमाने का। अगर आप चाहते हो फ्री में, आपने इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, आपने ना ऐड रन करना पड़े ना कुछ करना पड़े, आपको फ्री में यहाँ पर पैसे मिल जाए, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा कि कैसे आपने फ्री में इंस्टाग्राम में पैसे कमाने। और ये तो तरीके होंगे, जेन्युइन होंगे, ना ही आपको दो नंबर का काम कर सकता कोई आपसे, ना ही कोई गलत चीज़ कर सकता है, क्योंकि होल सेलर भी, दुकानदार लोग भी ये कहते हैं, होल सेल में सामान लेते हैं, 200 रुपये का जूता लेते हैं, आपको 500 का बेचते हैं, जो आप सामान लेते हो मार्केट से, ड्रेस लेते हो, आपने ये टी शर्ट भी ली मान लो, ये टी शर्ट मैंने 500 रुपये की ली, तो आपको लगता है कि असली कीमत कितनी होगी। ये होल सेलर से 200 रुपये में खरीदते हैं और 300 रुपये प्रॉफिट में हमको बेच देते हैं। 500 मैंने बोला डिस्काउंट करा था, 20-30 रुपये 50 रुपये डिस्काउंट करा होगा, मैं खुश ये 50 रुपये डिस्काउंट करा लिया मैंने, लेकिन उनको फिर भी 250-300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ आपने फिजिकल से हटा के ऑनलाइन में टेक देनी, बस समझ गए होंगे बात को। तो भाई ऐसी वीडियो अगर आप जाननी है और सीखनी है तो भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, और वो जो मैंने कमेंट के लिए बोला था वो कमेंट कर देना, और हमारे सेकंड चैनल और चैनल ऐसे हैं उनको सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करता रहूँगा और ज़्यादा। तो अब मैं लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड।